East London. University of East London, which was established in 1898 and has 7 schools. According to the Times Higher Education World University Ranking, University of East London is ranked at the number 801, one of the best public universities in London. The University of London, according to the QS World University Ranking 2023, it is rated 801/2000. The acceptance rate at this university is 39%. The National Student Survey ranked it is the best modern university in London and ranked it second for teaching quality in the UK. Times Higher Education Young University Ranking. डिस्कस करते हैं सीईटी रिक्वायरमेंट के बारे में. इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी स्कूल अच्छे सीएफएससी के साथ आपको मिनिमम 60% आउटपुट होना बहुत ज़रूरी है. ए लेवल्स में यूके स्टेरिफाइड पर अगर हम बात करें तो आपके पास 3 ए लेवल पासिस यू आर एलिजिबल. 1 year एडवांस डिप्लोमा अगर आपने रिकनाइज DAE अगर आपने किया हुआ है एसोसिएट इंजीनियरिंग में विद 55% के साथ यू आर स्टिल एलिजिबल. एसोसिएट जो मैट्रिक के बाद DAE कर लेते हैं आर एलिजिबल. फर्स्ट ईयर और अगर आपने किया हुआ है 2 और 4 years डिग्री की भी अगर आपने यूनिवर्सिटी विद 2.5 और 50% अबव CGPA यू आर एलिजिबल. ये सिंपल वही है. इंटर में वो बच्चा जो हाई स्कूल किया हुआ है 60% है प्लस उसने 2 साल का BA BCom अगर आपने किया हुआ विद 50% अबव तो वो एलिजिबल हो जाता है. फाउंडेशन इंटरनेशनल कोर्स का होना बहुत ज़रूरी है. लाइक अपने इंटरनेशनल फाउंडेशन कोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है. वही हाई स्कूल वाले के लिए ए लेवल्स वालों वैसे डायरेक्ट मीट कर जाता है और इंटर वाले के लिए बस ये कि या तो फाउंडेशन करे या 2 years की डिग्री करे विल बी एलिजिबल. डायरेक्ट एंट्री सिर्फ इंटरमीडिएट के बाद नहीं मिलती. 4th grade वाले 4 years बैचलर्स डिग्री विद 2.5 CGPA हो या 50% अबव मार्क्स हो यू विल बी एलिजिबल टू सिक्योर द एडमिशन एट दिस यूनिवर्सिटी. लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में IELTS 6.0 with no less than 5.5 in each component हो. TOEFL 72 with at least 17 in listening, writing 20 हो, speaking 18 हो और speaking writing reading दोनों 18 होना बहुत जरूरी है. पोस्ट ग्रेड में IELTS जो है वो 6.5 with no less than 6.0 in each component. TOEFL overall 87 with 21 plus in reading writing test में हो और 19 speaking and listening में होना बहुत जरूरी है. ट्यूशन फीसिस के बारे में ट्यूशन में अंडरग्रेजुएट जो प्रोग्राम है वो आपको मिल जाते हैं कोई अराउंड 14,160 पाउंड पर ईयर के अंदर और जो A.C.E का जो प्रोग्राम है वो आपको 30,920 पाउंड पर ईयर. जो पोस्ट ग्रेड के जो कोर्सेज हैं जिनकी लेंथ 1 year है वो प्रोग्राम आपको 13,920 पाउंड में मिल जाता है जो कि मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर का प्रोग्राम है. और जो आपके पास 2 years मास्टर्स के हैं विद इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट के साथ जो ATA प्रोग्राम है वो 15,240 पाउंड में मिल जाता है और 3,500 पाउंड जो है वो आपको प्लेसमेंट ईयर के साथ मिलता है. 13,920 सिर्फ मास्टर आर्किटेक्चर का प्रोग्राम में 1 year की ड्यूरेशन. बाकी सब प्रोग्राम 2 years के साथ आ रहे हैं 15,240. प्लेसमेंट के साथ जाते हैं तो आप समझेंगे 3,500 एडिशनल आपको पे करना है. अच्छा जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं वो 15,240 पाउंड्स में मिल जाती हैं. 2,000 पाउंड आपको एडिशनल का प्लेसमेंट का पे करना पड़ता है. MBA जो है वो आपको अराउंड कोई मिलता है जैसे यूनिवर्सिटीज अराउंड कोई 16,740 पाउंड्स पर एनम पर. MBA विद प्लेसमेंट अगर आप जाते हैं तो 16,740 प्लस 3,000 पाउंड होगा प्लेसमेंट. इनकी फीस है. UGPG के ऊपर अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में. दे ऑफर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का जो रेंज है वो 1,000 से लेकर 5,000 पाउंड के इन बिटवीन होता है. फर्स्ट ईयर ऑफ द ट्यूशन फीस डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स एंड प्रोग्राम यू चूज विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. जैसा कि आपका क्राइटेरिया मैंने अपनी वेबसाइट studyabroadabroad.com इसमें मेंशन किया हुआ है. हाउ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कैन एलिजिबल एंड हु इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप. नेक्स्ट स्कॉलरशिप इज कॉल्ड कॉमनवेल्थ मास्टर्स स्कॉलरशिप. ये समझें कि कॉमनवेल्थ की मास्टर स्कॉलरशिप जो लोअर एंड मिडिल इनकम कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए है. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यहाँ पर इसका तमाम क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ. और इससे पहले मैंने कॉमनवेल्थ के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है हाउ स्टूडेंट्स कैन अवेल द कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप. उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है. तमाम क्राइटेरिया बनाया हुआ है. ये वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जिनके स्टूडेंट ये कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप ले सकते हैं.